हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं हामिद रेजा आज आपके लिए लेके आया है नया टॉपिक। जो टॉपिक सीखने को मिलेगा, हाइड योर फाइल और फोल्डर एंड अनहाइड योर फाइल और फोल्डर, यानी कि किसी भी फाइल को हम लोग या किसी भी फोल्डर को हम लोग हाइड कैसे करेंगे। हाइड मीन्स होता है छुपाना, उसको छुपा के कैसे रखेंगे और उसको छुपा हुआ को उसको फिर वापस कैसे लेके आएंगे, वो हम आज आपको सिखाने वाले हैं। जो अगर हाइड करना जान गए हैं तो उसको अनहाइड करना वो बहुत ज़रूरी है। वो अगर नहीं करने से आपका फाइल परमानेंटली हाइड रहेगा, उसको अनहाइड करने के लिए ऑप्शन देखना पड़ेगा। तो जो भी हाइड करना चाहते हैं तो वो शुरू से आखिर तक देखें, नहीं तो फिर दिक्कत में पड़ सकते हैं। और उसके बाद देखेंगे आप किसी भी फाइल को सर्च करके निकालना, कोई फाइल हो या कोई भी फोल्डर हो उसको हम लोग ढूंढ के निकाल लेंगे सर्च करके, वो भी देखेंगे आप। तो सबसे पहला देखिए एक फाइल और एक फोल्डर को हाइड कैसे किया जाता है, तो देखते हैं। आज आप लोग देखने वाले हैं किसी भी फाइल को हाइड कैसे करते हैं या किसी भी फोल्डर को छुपाते कैसे हैं, वो आप देखने वाले हैं। उसके लिए सबसे पहले कंप्यूटर को खोलना पड़ेगा, डबल क्लिक करके भी खोल सकते हैं, नहीं तो राइट क्लिक ओपन से भी खोल सकते हैं, या स्टार्ट में क्लिक करके कंप्यूटर में भी क्लिक कर सकते हैं, या नहीं तो एक ऑप्शन है शॉर्टकट की विंडो प्लस ई दबाने से ही डायरेक्ट खुल जाएगा। अब आपका फ़ोटो किस ड्राइव में है वो चूज़ करना, सबसे पहले चूज़ करना है ड्राइव, मान लो डी में है या ई में एफ में। तो हम दिखाने वाले हैं आपको अभी एफ ड्राइव से किसी फोल्डर को हाइड करके, तो डबल क्लिक करेंगे। ये दोनों मेरे पहले से हाइड है, जैसे हाइड का क्या पहचान है, जैसे ये वाला थोड़ा सा क्लियर दिख रहा है, ये वाला धुंधलापन दिख रहा है। तो उसको ठीक कैसे करेंगे, राइट क्लिक करना है, उसी में प्रॉपर्टीज में जाएंगे, हिडन को हटा देते हैं, अप्लाई और ओके। इसको भी पहले ठीक कर लेते हैं, दोबारा फिर करके दिखाएंगे। अब हम इस वीडियो वाला फोल्डर को हाइड करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, राइट क्लिक करना है, उसमें प्रॉपर्टीज में जाना है, हिडन में जाना है, अप्लाई। अप्लाई में दो ऑप्शन आ रहा है, एक है अप्लाई चेंज टू दिस फोल्डर ओनली, क्या सिर्फ इसी फोल्डर को चाहते हो या उसके अंदर में जो भी सब फोल्डर है। तो इसमें और भी फोल्डर है, जैसे प्लेन रहेगा तो नॉर्मल रहेगा, इसके में और भी फोल्डर है इसलिए सब फोल्डर है। तो उस सब फोल्डर को भी चाहते हो तो ओके करने से उसको अप्लाई करना है और ओके कर देना है। ये अभी हाइड हो गया, लेकिन ये ऐसा हाइड करने से कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि ये तो रहा है ना, ये दिखे नहीं। उसके लिए क्या करना है, स्टार्ट में जाना है, कंट्रोल पैनल में जाना है, एक ऑप्शन मिलेगा फोल्डर ऑप्शन, वहाँ जाके व्यू में जाना है, एक ऑप्शन है यहाँ पे डू नॉट शो, मतलब ये और शो नहीं करेगा, डू नॉट शो में करना है अप्लाई और ओके। वो जो फाइल जो मैंने यहाँ दिख रहा था वो अभी है नहीं है। इसी तरह से इसको भी हाइड करते हैं, राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़, हिडन, अप्लाई। सिर्फ इसमें एक ही फोल्डर है इसलिए दोनों में से कोई भी रखने से चलेगा, ओके ओके। तो ये दोनों हाइड हो गया। अब उसको वापस कैसे लेके आएंगे वो देखिए। तो क्या करेंगे, मेरा कंट्रोल पैनल यहाँ खुला हुआ है, हो सकता है या ना खुला हुआ, क्योंकि हाइड करने के बाद तो फ़ौरन तो नहीं लाता है ना, थोड़ा सा टाइम लगता है। उसके लिए स्टार्ट में जाके कंट्रोल पैनल में जाना है, फोल्डर ऑप्शन में जाना है, व्यू में जाना है और यहाँ करना है शो, अप्लाई और ओके। इतना करने के बाद वो ऑप्शन आपको दिख जाएगा यहाँ पे कि मेरा हाइड किया हुआ जो था वो यहाँ हो गया, यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया। अब उसको अनहाइड करना है, अनहाइड हुआ नहीं है, राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़, हिडन में से हटा देना है यहाँ ऑप्शन को, अप्लाई करना है ओके और ओके। तो इसको भी कर लेते हैं, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़, हिडन, अप्लाई ओके ओके। तो जो भी फाइल मेरा था वो हाइड हो गया।
दोबारा देखिए इसको करके, जैसे इसमें मेरा है MP3 बना हुआ है इसमें, चलो इसको नहीं करते हैं, इसमें करते हैं माई फाइल में बेसिक क्लास और वीडियो एडिटिंग सॉन्ग जो भी है इसको हाइड करते हैं। हाइड क्लिक, प्रॉपर्टीज हिडन अप्लाई, ओके ओके, ये हाइड हुआ नहीं है। हाइड परमानेंट हाइड करना है तो स्टार्ट में जाके कंट्रोल पैनल, फोल्डर ऑप्शन, व्यू में जाके डू नॉट शो कर देंगे, अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे। तो वो वाला फोल्डर मेरा पास अभी यहाँ पे नहीं है, तो अब वापस तो लाना पड़ेगा ना। तो वापस लाने के लिए ये कंट्रोल पैनल मैंने खुला हुआ है, दोबारा लेके ईजी लेके आ जाते हैं, फोल्डर ऑप्शन, व्यू, शो, अप्लाई, ओके। इतना करने के बाद ये फोल्डर शो होने लगेगा। अभी ये हाइड है, अनहाइड ये वाला है, अनहाइड किया हुआ, ये हाइड किया हुआ है। राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, हिडन में क्लिक करके अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे। इसमें जो फोल्डर हाइड था वो मेरा वापस आ गया। यहाँ एक ऑप्शन देखने को मिला, बीजिए इसी में एक ऑप्शन देखने को मिला फोल्डर ऑप्शन में। जनरल में एक ऑप्शन है सिंगल क्लिक, एक है डबल क्लिक। सिंगल क्लिक का क्या काम है, जैसे सिंगल क्लिक रखने से अगर अप्लाई करेंगे ओके करेंगे तो कोई भी फाइल या कोई भी फोल्डर सिंगल क्लिक से खुल जाएगा, एक बार क्लिक करने से ही खुल जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, किसी भी फाइल को या किसी भी फोल्डर को या किसी भी सॉफ्टवेयर को सिंगल क्लिक से ही खोल सकते हैं आप। तो सिंगल क्लिक नुकसान भी है, फ़ायदा भी है। जो जानकारा है उसके लिए ठीक है, जो नहीं है, जो खोलना नहीं भी चाहेगा, से गलती से भी क्लिक हो जाएगा तो वो शो होने लगेगा। तो उसको हटा लेते हैं, जाके फोल्डर ऑप्शन में जाना है और यहाँ डबल क्लिक रखने से बेहतर है, डबल क्लिक रख देना है, अप्लाई कर देना है और ओके कर देना है। किसी भी फाइल या फोल्डर को सर्च करके कैसे निकाल लेंगे वो अभी आप देखने वाले हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर खोल के दिखा देते हैं मेरा इसमें क्या क्या फोल्डर है। MP3 है, माई फाइल है, ओल्ड है। माई फाइल में क्या क्या है, बेसिक क्लास है और वीडियो एडिटर है। तो मुझे ढूंढ के निकालना है माई फाइल कहाँ पे है। तो सर यहीं से जाते हैं हम, यहाँ लिखते हैं माई स्पेस FI, माई फाइल यहाँ पे आ गया। ये कहाँ पे है, F ड्राइव में। ड्राइव वो लोकेशन दिखा रहा है क्या क्या है, बेसिक क्लास और वीडियो एडिटर सॉन्ग। वहाँ से भी कर सकते हैं वही काम, हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। इसे लिखना है मुझे बेसिक क्लास BASIC स्पेस CLASS। कीवर्ड में कुछ प्रॉब्लम है, बटन काम नहीं कर रहा है, LASS क्लास। तो यहाँ आ गया, अब इसमें जो भी है यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं क्या है नहीं है। मुझे इसमें से ढूंढ के निकालना है कि पार्ट टू कहाँ पे है या पार्ट वन कहाँ पे है। पूरा को काट देते हैं, डायरेक्ट हमको लिखना है पार्ट वन। यहाँ जाके PART स्पेस वन, तो यहाँ दिखा रहा है पार्ट वन, जहाँ भी है वो ढूंढ के निकाल दिया। यह हम चाहते हैं इसको क्लोज कर देते, पहले क्या लिखना है पार्ट वन PART स्पेस वन। यहाँ पे आया, राइट क्लिक करना है, उसी में एक ऑप्शन है ओपन विथ, कहाँ से प्ले करना है या सेंड विथ, शेयर विथ, इस सब से शेयर भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट खोलना है तो डायरेक्ट खोल भी सकते हैं, तो यहाँ से डायरेक्ट भी खोल सकते हैं आप अपने हिसाब से, जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। एक ऑप्शन है ओपन फाइल लोकेशन, ये जो फाइल है ये किस फोल्डर में रखा हुआ है या किस ड्राइव में रखा हुआ है। अगर करेंगे आप ओपन फाइल लोकेशन, क्लिक करने से ही वो जहाँ है वहाँ जाके ये खुल जाएगा। कहाँ पे है ये, F ड्राइव का यहाँ पे है। आपका क्लास कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएं, अगर अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें, इसको आगे तक पहुँचाएँ जो सीखने वाले हैं।
और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है मेरा चैनल को हामिद कंप्यूटर टेक को, वो सब्सक्राइब कर लें ताकि फुल कोर्स आप सीख सकें DOAP++ को, जिसमें सिखाया जाएगा आपको कंप्यूटर कॉन्सेप्ट एंड फंडामेंटल्स, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड एक्सेस, HTML भी सिखाएंगे, इंटरनेट, DTP में आएगा, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, पेज मेकर, वो भी सीखने को मिलेगा। उसके बाद आएगा टैली विद GST, फुल टैली सिखाएंगे, एडवांस टैली सिखाएंगे। आप लोग मेरा कोर्स से जुड़े हैं, जो फुल कोर्स कर लेंगे उसको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड होगा मेरी तरफ से DOAP++ का। तो आप लोग शुरू से आखिर तक बने रहें, पूरा क्लास को देखें, कहीं अगर किसी को दिक्कत आ रही हो समझने में वो मुझे कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। अगर ज़्यादा दिक्कत आ रही हो, मेरा नंबर दिया हुआ है, मुझे कॉल भी कर सकते हैं अगर कहीं समझने में दिक्कत हो तो। आज के लिए इतना ही।